गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 9 में कविता पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेघ आए। और इस कविता के कवि हैं कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हिंदी साहित्य में एक चमकते हुए सितारे के समान है। कवि का जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। तो आइए हम पढ़ते हैं कवि द्वारा रचित कविता मेघ आए। कवि ने इस कविता में बादलों का एक मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया है, एक सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। वर्षाकालीन समय में आकाश में काले बादल घिर आते हैं और उसको देखकर सारे प्राकृतिक उपादान हर्षित और उल्लसित हो उठते हैं। कवि ने उसी को बहुत ही सुंदर तरीके से बादल
से उस मेहमान को देख रही हूँ। ठिठकी घूंघट से क्या अर्थात ठिठकना का अर्थ होता है रुकना, रुककर। ऐसा लगता है कि नदी अपनी तिरछी नजरों से थोड़ा सा रुककर उस बादल रूपी मेहमान का रूप देखना चाहती है। घूंघट सर के अर्थ होता है अपने घूंघट को सरका कर वे उस शहरी मेहमान को देखना चाहती है, बादल रूपी मेहमान को। मेघ आए बड़े बनठन के समर के, कवि कहते हैं कि आकाश में बादल किस प्रकार पधारे हैं, जैसे कोई मेहमान बनठन कर सर समर कर पधार रहा हो। तो इस पूरे पद में कवि ने प्राकृतिक उपादानों का वर्णन किया है जो बादल रूपी मेहमान के स्वागत में अपने रूप को धारण करते हैं और उसका स्वागत करते हैं। तो इस पद का आशय है कि मेघ आपस में आकाश में सुशोभित हो रहे हैं और हवा के कारण पेड़ झुकने लगे, हिलने लगे, नदियां थोड़ा सा रुककर आकाश में बादलों को देखती हैं। तो इस पूरे कविता में कवि ने वर्षाकालीन समय में आने वाले बादलों के सुंदर दृश्य का वर्णन किया है। तो बच्चों, आज हमने दो पद पढ़ा, कल मैं इसके आगे और बताऊंगी।